सो भाई लोगों, अभी अपने गेम के अंदर अशासन ग्रिड्स का अपना टॉप अप इवेंट चल रहा है। सो आप सभी पूछ रहे थे कि यार नेक्स्ट टॉप अप इवेंट हमारे गेम के अंदर आने वाला कौन सा होने वाला है, क्या वो होली के फेस्टिवल से रिलेटेड होने वाला है या फिर वो अपनी ईवो फार्म से रिलेटेड होने वाला है। सो गाइस यार, कौन सा नेक्स्ट आप सभी को टॉप अप इवेंट देखने को मिलेगा उसके बारे में आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ। साथ साथ क्या डेट होगी वो भी बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर अपने नेक्स्ट टॉप अप इवेंट का पूरा पोस्टर रिलीज हो चुका है। सो गाइस यार, आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, क्योंकि साथ ही साथ मैं आप सभी को बताने वाला हूँ अपना अपकमिंग नेक्स्ट गोल्ड रॉयल बंडल और कौन सा आप सभी को अपना डायमंड रॉयल बंडल देखने को मिलने वाला है। सो भाई लोगों, आज की वीडियो काफी ज्यादा बढ़िया और मजेदार होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई लोगों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाले बेल वाले बटन को प्रेस करके ऑल में जरूर सेट कर देना। सो गाइस यार, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ अपने अपकमिंग आप सभी को वेब इवेंट कौन सा देखने को मिलने वाला है। स्क्रीन के ऊपर जैसे कि आप सभी देख सकते हो, यहाँ पर आप सभी को रीलोड टारगेट करके एक वेब इवेंट देखने को मिलेगा जो कि अपने बर्गर किंग से रिलेटेड होने वाला है। आप सभी को पता है कि यार ये वाला अपना सेलिब्रेशन काफी टाइम से होल्ड हुए पड़ा है, तो इसकी डेट वगैरह निकल कर आ चुकी है। 21 से लेकर 27 तारीख तक हम सभी को ये इवेंट अपने इंडियन सर्वर के अंदर देखने को मिलेगा। गाइस यार आगे चलते हैं, और मैंने जैसे कि आप सभी को बताया अपने कल वाली वीडियो के अंदर कि अपने फीमेल कैरेक्टर की एबिलिटी वगैरह चेंज कर दी गई है, लेकिन एक और यहाँ पर कैरेक्टर निकल कर आ रहा है जिसका नाम है स्टेफी। तो गाइस यार आप सभी देख सकते हो, अगर आपके ऊपर कोई भी बंदा नेड करता है, भले ही वो नेड आपके एकदम क्लोज में आके गिरता है, फिर भी आप सभी को डैमेज नहीं पड़ेगा। और यही अगर आपके टीममेट भी आपके सर्कल के अंदर आ जाते हैं तो उनमें से भी किसी बंदे के भी डैमेज नहीं आएगा अगर वो स्टेफी के सर्कल के अंदर होते हैं। आपके पास ये कैरेक्टर है तो नीचे कमेंट में बता देना, क्योंकि ये कैरेक्टर अब अपने क्लैश कोडी के लिए काफी बढ़िया कैरेक्टर बन चुका है। सो भाई लोगों आगे बढ़ते हैं, उसी के साथ साथ मैं आप सभी को बताने वाला हूँ भाई लोगों, यहाँ पर अपने फाइनली बात करने वाले आखिरकार अपना नेक्स्ट डायमंड रॉयल बंडल कौन सा होने वाला है। सो भाई लोगों, दो बंडल यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं अपने अपकमिंग डायमंड रॉयल बंडल के तौर पे। तो फर्स्ट बंडल आप सभी देख ही सकते हो, अपने डायमंड रॉयल से रिलेटेड ही बंडल लग रहा है, यानी कि ऐसा बंडल हम सभी को डायमंड रॉयल के अंदर ही देखने को मिलता है। फर्स्ट बंडल कैसा लगा नीचे कमेंट में बता देना, लेकिन उसी के साथ साथ सेकंड बंडल में भी आप सभी को दिखा देता हूँ। जैसे कि आप सभी देख सकते हो, ये बंडल के भी लीक्स वगैरह निकल कर आ रहे हैं कि हम सभी को अपने गोल्ड रॉयल और डायमंड रॉयल बंडल में से किसी एक बंडल के अंदर देखने को मिलने वाला है। बट गाइस यार, आप सभी को तो पता है कि अपना अभी जो गोल्ड रॉयल चल रहा है वो मेल गोल्ड रॉयल है, तो अपने को जो कि अपना नेक्स्ट गोल्ड रॉयल बंडल आता है वो एक फीमेल का ही देखने को मिलेगा। सो भाई देखो, जैसे कि आप सभी देख रहे हो तो डाटा माइनर्स की तरफ से तो इस फीमेल बंडल की लीक्स वगैरह निकल कर आ रही है कि हमको देखने को मिल सकता है, लेकिन हो सकता है कि फीमेल बंडल की जगह हमको कोई मेल का भी बंडल देखने को मिल जाए। सो गाइस यार, यहाँ पर आगे चलते हैं और एक OP33 से अपडेट, यहाँ पर मैं आप सभी को दो अपडेट बताने वाला हूँ। जैसे कि आप सभी देख सकते हो, स्क्वाड के अंदर पांच पांच बंदे खड़े हैं, तो ये और किसी के नहीं, बॉम्ब स्क्वाड जब आप खेलोगे तो उसमें अपने को पांच बंदे देखने को मिलेंगे इस अपडेट के बाद से। रैंक मैच के अंदर नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने को बॉम्ब स्क्वाड के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। सो गाइस यार, उसी के साथ साथ मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, सबसे पहले तो मेरे को नीचे कमेंट में ये बताना कि रोज इमोट किस किस के पास है, क्योंकि नेक्स्ट अपडेट उसी से रिलेटेड है। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हो, अब अगर अपने OP33 अपडेट के बाद रोज इमोट दिखाते हैं तो उसमें हम सभी को कुछ ना कुछ भाई लोगों एनिमेशन वगैरह देखने को मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं कि जब तक अगर आप कोई दूसरा इमोट नहीं करोगे तो ये वाला रोज वाला इमोट वहीं पे पोजीशन में रुक जाएगा, यानी कि स्टॉप हो जाएगा। सो गाइस यार, हर बार अपने मार्च और अप्रैल के टाइम हम सभी को एक बनी लीग का छोटा सा इवेंट वगैरह देखने को मिलता है, जिसमें हमारा बनी बंडल हम सभी को हर बार रिटर्न में देखने को मिलता है। सो गाइस यार, लीक्स वगैरह निकल कर आ रही है कि अपने को बनी बंडल भी बहुत जल्दी रिटर्न में देखने को मिलने वाला है। तो अगली वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर आने वाली है, तो जिस किसी को भी भाई लोगों को नहीं पता है कि बनी बंडल कब आने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि अगली वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर आएगी। सो भाई लोगों, उसी के साथ साथ मैंने आप सभी को कल वाली वीडियो के अंदर बताया था कि अपने ईवो की एक्स मेट बहुत ही जल्दी हम सभी को रिटर्न में देखने को मिलने वाली है। बट भाई लोगों, मैंने इसकी आप सभी को डेट नहीं बताई थी कि कब हम सभी को रिटर्न के अंदर देखने को मिलेगी। सो इसकी डेट वगैरह निकल कर आ चुकी है, ये हम सभी को 23 से लेके भाई लोगों 30 तारीख के बीच में हम सभी को देखने को मिलने वाली है। गाइस यार, कंफर्म डेट तो नहीं, लेकिन 23 तारीख के आसपास हम सभी को देखने को मिल जाएगी अपने ईवो एक्स मेट इंडियन सर्वर के अंदर रिटर्न। सो गाइस यार, यहां पर अपने फाइनली बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अपकमिंग टॉप अप इवेंट कौन सा देखने को मिलने वाला है। तो भाई लोगों, उससे पहले जिस किसी ने अभी तक फर्स्ट ऑफ ऑल तो वीडियो को लाइक नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है,
तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल वाले बटन को प्रेस करके ऑल में जरूर सेट कर देना। सो भाई लोगों, मैं आप सभी को बता देता हूँ कि फाइनली अपना नेक्स्ट टॉप अप इवेंट, जैसे कि आप सभी देख सकते हो, ओपी सा फेस मास्क दिखने वाला है जिसमें से अपनी आंखों के अंदर से भाई नीले कलर का धुआं निकलता हुआ आप सभी को दिखेगा। और साथ ही साथ भाई लोगों, हम सभी को होली करके एक ग्लू वॉल की स्किन देखने को मिलने वाली है। तो गाइस यार, ये टॉप अप इवेंट अपने 16 तारीख को आप सभी को आता हुआ दिख जाएगा। और इसके बाद के टॉप अप इवेंट आप सभी को बताइए कि अपने ईवो फार्मर से रिलेटेड होने वाले हैं। लेकिन गाइस यार, अपना अपकमिंग जो कि आपको टॉप अप इवेंट देखने को मिलेगा उसमें हम सभी को यही देखने को मिलने वाला है। हो सकता है उसी के साथ हमको कटाने की स्किन भी देखने को मिल जाए जो कि अपने होली फेस्टिवल से रिलेटेड होने वाली है। सो गाइस यार, उम्मीद करता हूँ सभी को पता चल गया होगा आखिरकार अपना नेक्स्ट टॉप अप इवेंट कौन सा है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करते हुए जाना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले बटन को प्रेस करके ऑल में जरूर सेट कर देना।